हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ सीनरी ड्राइंग विद ऑयल पेस्टल कलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले एक हॉन्टेड हाउस ड्राइंग कर रही हूँ और मैंने लाइन ड्राइंग के लिए ब्लैक स्केच पेन यूज किया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप पहले पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकते हो, उसके बाद आप स्केच पेन यूज कर सकते हो। ये लाइन ड्राइंग को फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरीके से ये लाइन ड्राइंग को फॉलो करोगे, आपका ड्राइंग उतना ही परफेक्ट होगा। अब मैं लैंड पोर्शन कर रही हूँ, नाउ मैं डोर कर रही हूँ। अब मैं एक पंपकिन ड्राइंग कर रही हूँ। ट्री ट्रंक ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं और एक ट्री अब मैं पेंसिल एंड कंपास के हेल्प से एक फुल मून ड्राइंग कर रही हूँ। अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर की, और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए करते हैं कलर। अब मैं कलर कर रही हूँ। मैं पहले ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ मून में। Now I am using medium yellow. Now I am using light yellow. अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग डार्क पर्पल इन हाउस रूफ।
Now I am using maroon. Now light pink. अब मैं रोज पिंक कलर यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज किया है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। और मेरा वीडियो में भी ये मेंशन किया हुआ है। अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। आप अगर ऐसी इजी ड्राइंग देखना चाहते हो तो आप रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम देखते रहिए। नाउ आई एम यूजिंग मीडियम येलो। अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल ना हो तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अब मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ ट्री ट्रंक पे। Now grey. अब मैं फिर से ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से ट्री ट्रंक को डार्क कर रही हूँ और ट्री ब्रांचेस कर रही हूँ। अब मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ लाइट ग्रीन। अब मैं मीडियम येलो कलर यूज कर रही हूँ। नाउ स्कारलेट। नाउ ऑरेंज। अब मैं डीप येलो कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ये ड्राइंग करके हमें रॉन्ग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी शेयर कर सकते हो। अब मैं कोबाल्ट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ पुशियन ब्लू।
Now dark purple. अब मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ फ्रेंड्स फिंगर से रब करके। अब जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करोगे उतना ही बैकग्राउंड स्मूथ होगा। अब मैं फिर से ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज करके बैट कर रही हूँ। अब मैं ये लैंड कर रही हूँ, लैंड में ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ फर्स्ट। देन आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन। Now sap green. Again मैं blend कर रही हूँ इसको finger से rub करके। अब मैं white acrylic color use कर रही हूँ थोड़ा सा highlight करने के लिए। Friends अगर आपके पास white acrylic ना हो तो आप poster color और अगर आपके पास correction pen है जो भी है आपके पास आप उससे ही करो एक्रिलिक का सब्स्टिट्यूट। अब मैं स्टार कर रही हूं। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स आपको वेरी स्लोली एंड केयरफुली ये मास्किंग टेप को रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।